सिंघु बॉर्डर पर मुर्गा न देने को लेकर निहंग नवीन द्वारा बिहारी युवक की टांग तोड़ने के मामले में ग्रामीणों ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल निहंग सिख नवीन करनाल के गक्सीना गांव का रहने वाला है और इस घटना के बाद निहंग सिखों ने उसे ये कहकर पुलिस के हवाले कर दिया कि ये हमारा आदमी नहीं है, ये सरकार का आदमी है। निहंग जत्थेबंदियों के इस बयान पर नवीन के गाँव वाले नाराज हो गए हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने कोर्ट में एकजुट होकर नवीन के समर्थन में आवाज बुलंद की है और पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है। ग्रामीणों का कहना है कि नवीन निहंग है और वो बैसाखी वाले दिन अमृत चक्कर निहंग बना है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि नवीन और बिहारी युवक के बीच मारपीट मुर्गे के लिए नहीं बल्कि बीड़ी पीने को लेकर हुई थी। ये जो बिहारी है मजदूर भाई है हमारा, कोई बात नहीं, ये बीड़ी पी रहा था दरबार साहब के सामने। यूं कहने लगा थर तक कई बार कह लिया, असली वारदात तो ये हुई। ये बिहारी का कहने लगा थर तक कई बार कह लिया, तब मानते नहीं बिहारी ने जो इशारा करा बात, तो इस बात में बिगड़ी। मैं बिल्कुल मौके पर उसने कहा एक, फिर बस उसमें भी गुस्सा आ गया, उस पर डांग थी, पांच चार डांग मारी, बलकन बीच बचाव करवाया। फिर वहाँ इतने आदमी कोई इकट्ठे नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, बिहारी खड़ रहा आम चले गए। फिर ठीक है जी, वो तो बाद में तूल पकड़िया गया, झगड़ा तो बीड़ी पर होया। बीड़ी पी रहा था, इसी कहने लगा भाई बीड़ी क्यों पियो, था कई बार कह लिया। वो भी थोड़ा गलत बोलिया, फिर बच्चे थे, यूँ भी बच्चा ही है, बच्चों पर गलतियाँ हुई हैं। पर जो तूल दिया गया मुर्गे खोसे गए, मुर्गे का नहीं, वहाँ पक्का भी हाथ लगा, मुर्गे की रेडी जरूर थी उसमें, मुर्गे तो छेड़े भी नहीं किसी ने। ये झूठी बातें बनाई जा रही, एक दो डांग सी लगी उसका कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत सूझ रहा था कोई, तो अरे भी ठीक है कौन सा, उसकी टांग टूट रही कुछ। अरे ये छोटी मोटी घटना तो हो ही जावा, पर इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए, एक छोटी सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। नवीन मेरे गाँव का लड़का है और इसने अमृत चक्र रखा, और जो कल घटना हुई इस पे सारे झूठे बेबुनियादी आरोप लगाए, ना इसने किसी से मुर्गा मांगा ना कुछ, वो वहाँ पर इसकी ड्यूटी उन्होंने लगा रखी थी भाई रास्ते में रुकावट ना हुआ। और वो जो था जिसको बता रहे हैं कि इसको डंडे मारे हैं, वो वहाँ खड़ा होकर बीड़ी पी रहा था और इसने कहा भाई आप आगे चले जाओ, तो उसने उसको गाड़ी क्लोज करी। और जो निंग साहिबान ने भी इसको पकड़ा है कि भाई ये नकली निंग है, RSS का आदमी है, गलत आदमी है, बिल्कुल सही आदमी है, वो मेरे गांव का है ना, गांव में उसका करेक्टर बिल्कुल ठीक है, ना उसने कोई ऐसी हरकत करी, उसको गलत फंसा गया है। वो निहंग जत्थे में कब शामिल हुआ कुछ पता चला हो? बैसाखी पे उसने अमृत चखा था और उसके बाद वो निहंग बन गया था। और अब जो कह रहे थे कि नकली निहंग है लोग, कुछ आपके माध्यम से हम उनसे पूछना चाहते हैं निहंग साहिबान से भी, भाई उसने अमृत चख रखा था, आप उसको नकली कैसे बता रहे हो? और पूरा गांव गक्सीना इसमें से होकर रहा है, आज पूरा गांव यहां पहुंचा, पूरे गांव की पंचायत, गांव की पंचायत इसलिए पहुंची है भाई पूरा गांव आंदोलन में साथ है सब कुछ, और फिर भी गक्सीना गांव की बदनामी की जा रही है। इस पूरे मामले में किसान नेता भी निहंग नवीन के समर्थन में उतर आए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि निहंग जत्थेबंदियों ने नवीन को सरकारी आदमी बताकर उसका और उसके गांव का अपमान किया है, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि निहंग नवीन के साथ पूरा गांव खड़ा है और नवीन पर कोई बेबुनियाद आरोप ना लगाए। ये कई महीने से शामिल हुआ था, ये पुराना ही किसान यूनियन से जुड़ा हुआ आदमी है और ये बहुत अच्छा आदमी है। और जैसे कि अखबारों में और जैसे सोशल मीडिया पे टीवी चैनलों पे खबर चलाई गई थी कि एक मुर्गे को लेकर लड़ाई हुई, मुर्गा मांग रहा था, ये बिल्कुल साफ और सफ़ेद झूठ है। वो जो बंदा था वो रेहड़ी चला रहा था मुर्गे की और वो बीड़ी पी रहा था, बीड़ी का धुआं इसके ऊपर लगाया तो इनकी आपस में थोड़ी मोटी कहासुनी हुई, कोई मारपीट कुछ नहीं हुआ है, ना उसको कोई मारा गया है, ना कोई छोटा। अब पुलिस के द्वारा हमारे को किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं। वो कह रहा था कि डंडे से मेरे पे पीटा गया, फ्रैक्चर है उसको। उसका कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई डंडे से पीटा नहीं गया है। अगर कहीं पीटा छोटा मोटा अगर कोई कहा सुनी हुई है तो कहीं और किसी की हुई है। ये तो हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए पुलिस भी शासन की बीजेपी सरकार की एक दल्ली बन के रह गई है। जैसा सरकार कहती है ऐसा ही वो काम करती है, पुलिस भी गलत काम कर रही है। ये इसने कोई डंडा छोटा नहीं बताया, कुछ भी नहीं हुआ, वो सच्चाई सामने आ चुकी है। बता दें कि किसान आंदोलन में मुर्गे सप्लाई करने वाले बिहार के मनोज पासवान ने निहंग नवीन पर मारपीट करने के आरोप लगाए हैं और कहा कि मुर्गा न देने के चलते निहंग नवीन ने उसे मारा और मार मार कर उसकी टांग तोड़ दी। घटना सामने आने के बाद निहंग नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब नवीन के गांव वाले उसके समर्थन में उतर आए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि झगड़ा बीड़ी पीने को लेकर हुआ था, न कि मुर्गे को लेकर। बहरहाल पुलिस की छानबीन जारी है, घटना की सच्चाई क्या है इसका फैसला जाँच के बाद ही हो पाएगा। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।